प्यार से यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे गाइस। मैं भी अच्छी हूँ और राधे राधे, जय माता दी। तो गाइस अब मेरी तबीयत एकदम ठीक है, बस थोड़ी बहुत सी चल रही है ऐसे ही, पर दवाई दी है डॉक्टर ने तो मुझे 5-6 दिन की दवाई और है मेरी, उन्हें खाऊंगी तो मैं बिल्कुल ठीक होऊंगी। तो गाइस बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी, अब 2-4 दिन में दवाई दी है डॉक्टर ने, दवाई खा रही हूँ मैं अपनी। तो चलिए गाइस नहाने के बाद आपको मिलती हूँ, थोड़ा सा गला भी ठीक हो जाएगा, गर्म पानी पी रही हूँ। पहले जाऊंगी, पहले 1 गिलास गर्म पानी पीऊंगी और मैं आपको मिलूंगी अब शाम को, क्योंकि मुझे दवाई लेके 1-1.5 घंटा लेटना है। तो गल पानी वानी पीऊंगी, थोड़ा गला भी ठीक हो जाएगा, दवाई दी है डॉक्टर ने मुझे। तो चलिए गाइस मिलती हूँ आपको शाम को नहाने के बाद, मैं कपड़े वगैरह वाले चेंज करूँगी। थैंक यू गाइस, आप लोगों ने इतने अच्छे अच्छे कमेंट करे हैं मेरे लिए, मेरी तबीयत के लिए, तो मुझे बहुत अच्छा लगा है। और मेरे इंस्टा पे भी बहुत मैसेज आ रहे हैं कि जो लोग मेरे को यूट्यूब पे मैसेज नहीं कर सकते वो इंस्टा पे मैसेज कर रहे हैं, आंटी क्या हो गया आपको, कैसी है आपकी तबीयत। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, लोग मेरी ये यूट्यूब फैमिली है, इंस्टा फैमिली है, मेरे लिए इतना प्यार दिखा रही है मुझको, कभी कोई इतना प्यार दिखाता नहीं है ना जितना इंस्टाग्राम फैमिली मेरी और यूट्यूब फैमिली मुझे दिखा रही है। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत कम लोग होते हैं जो इतना प्यार दिखाते हैं मुझे, बहुत ही कम लोग हैं ऐसे, पर मुझे बहुत अच्छा लगा मेरी यूट्यूब फैमिली ने और मेरी इंस्टा फैमिली ने मुझे इतने मैसेज कर दिए इंस्टा पे भी और यूट्यूब पे भी। तो थैंक यू सो मच गाइस, आपको बहुत बड़ा थैंक यू। और अब मैं ठीक हूँ, पहले से अब ठीक हूँ, मुझे आज 4-5 दिन हो गए हैं। शुरू में मैंने ब्लॉग नहीं ले रहा था, उसके मैंने कहा अरे मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करता गाइस, मैं डेली ब्लॉग बनाती हूँ ना तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि मैं अपने ब्लॉग ना घेरूँ। तो मैंने कोई बात नहीं, चलो मैं घेर लेती हूँ। तो इस वजह से मैंने अपने 2-3 ब्लॉग घेरे बीमारी के, मैंने क्या अगर नहीं घेरूँगी तो लोगों के कमेंट आते हैं आंटी क्या हुआ आपने ब्लॉग नहीं घेरा, तो इसलिए मैंने ब्लॉग घेर दिया सॉरी गाइस, इसलिए मैंने ब्लॉग घेर दिए थे। पर मुझे नहीं पता था आप लोग इतना प्यार करते हो मुझसे, सच में गाइस मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा कि मेरी यूट्यूब फैमिली और मेरी इंस्टा फैमिली मुझसे इतना प्यार करती है। तो फिर से एक बार थैंक यू आप सबको। तो चलिए गाइस जल्दी से मेरे 5,000 करवा दो सब्सक्राइबर प्लीज़ गाइस। तो थैंक यू सो मच गाइस, आप लोगों ने इतने अच्छे कमेंट कर। और एक चीज़ गाइस मेरे पे नहीं, तो गाइस आप लोगों ने तन्नू के पे भी जाके कमेंट करें, जो तन्नू ने प्रैंक किया था 2-3 दिन पहले बनाई थी, पर तन्नू ने वो घेरी थी आज, तो उस पर भी मेरे लिए कमेंट आ रहे हैं आंटी सैड अच्छी नहीं लग रही, बिल्कुल भी उदास अच्छी नहीं लगती आंटी। तो थैंक यू सो मच बच्चों, बच्चे बड़े जो भी हैं सबको मेरी तरफ से थैंक यू, आप लोगों का प्यार देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। तो चले गाइस इसी तरह कमेंट करते रहना। अब मैं वैसे ठीक हूँ, इतनी भी बीमार नहीं हूँ जितनी अभी 3 दिन में जो मैं बीमार रही हूँ ना, 3-4 दिन में बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहे थे मुझे खड़े होकर भी, और अब मैं ठीक हूँ। फल वगैरह आ गए हैं, सेब मंगाए मैंने इसके पापा से, तो सेब इसके पापा ले आए थे। तो चले गए नहा लेती हूँ, थोड़ा गर्म पानी पीती हूँ, गला थोड़ा सा ठीक हो जाएगा, फिर आपको मिलती हूँ मैं। थैंक यू सो मच गाइस, प्लीज़ मेरे 5,000 जरूर कराना गाइस, जो जल्दी से केक काटूँ। जो मेरा पहले वाला चैनल था ना उसमें तो पता ही नहीं क्या हो गया, पहले वाला चैनल मेरा बिल्कुल ख़राब हो चुका था, तो मैंने ये नया चैनल बनाया है, तो अपना प्यार इसी तरह बनाए रखना गाइस। तो चलिए गाइस नहाने के बाद अब सीधा मैं मिलूँगी आपको शाम को, अभी मैं कोई ब्लॉग नहीं बना रही हूँ, सीधा ही जब सब खाना वाना बनाऊँगी जब भी आपको मिलती हूँ। तो गाइस यहाँ काट लिए मैंने अपने लिए एक सेब जो रेगुलर अब डेली खाए करूँगी सुबह शाम, और यहाँ एक प्याज एक टमाटर, और आज बना रही हूँ घिया की सब्ज़ी, कुकर रख दिया है। तो क्योंकि मेरा रूटीन चालू हो गया है फिर से अपने लिए थोड़ा वेट लूज़ करना है, तो गाइस तेल घेर दिया, तेल हो चुका है, और मैं घेर देती हूँ इसमें मसाले जीरा वगैरह, और यहाँ घिया भी रेडी है। तो डर गई मैं तो, ओ माँ मैं तो डर गई हैं गाइस। तो गाइस सोनिया काफ़ी दिन से मेरे पीछे पड़ी हुई थी, मम्मी वेट कम कर वेट कम कर, तो आज से मैंने कर दिया अपना रूटीन। सुबह मैंने पिया था उसके जीरे का अजवाइन का पानी, फिर ली थी मैंने अजवाइन का पानी पीने के 1 घंटे बाद मैंने अपने लिए ग्रीन टी बनाई थी, और उसके ठीक 2 घंटे बाद मैंने पिया 1 कप चाय, क्योंकि मेरी दवाई चल रही है तो मैं चाय बंद नहीं कर सकती। एक कप चाय और एक फैन में लेती हूँ, अभी 5-6 दिन की दवाई और रह रही है, जैसे मेरी दवाई ख़त्म हो जाएंगी तो मैं चाय भी छोड़ दूँगी, और रूटीन हो गया चालू, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और थोड़ा पैर बहुत दिनों बाद पिया तो कड़वा कड़वा सा अजीब सा स्वाद आ रहा था अजवाइन का, पता नहीं अजवाइन कौन सी है ये वाली, अजवाइन भी तो कई तरह की होती है ना। तो बस गाइस
आपको मेरा रूटीन मिलेगा और थोड़ा योगा का। तो योगा का वीडियो तो मैं अभी नहीं डालूंगी, जब थोड़ी सी कम हो जाऊंगी जब गिरूंगी, अभी तो मैं खुद ही पेट मार। तो गाइस यहाँ मैंने सब्जी छोक के रख दिए है और सब्जी छोकने के बाद में मार लूँगी आटा, उसके बाद जाऊँगी मैं पूजा करने के लिए। तो चार्विक अपने कमरे में है अभी और बस जैसे ही वो आएगा तो यहाँ स्लीप पे बैठने की जिद करेगा, बहुत ज़िद्दी होता जा रहा है चार्विक, और बस यहाँ कहेगा मुझे यहाँ बिठा दो और तुम काम करते रहो, मैं यहाँ बैठा रहूँगा, और उसे मेरे को बहुत दुखी करता है। तो चलिए गाइस मैं आटा वाटा मार लेती हूँ हाथ धो के, क्योंकि बालों में हाथ लगाया, तो मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। तो गाइस यहाँ आटा मांड के रख दिया था मैंने और सब्जी बना के रख दी है, बस अब मैं सारा काम निपट जाए मेरा घर का तो मैं जाके फिर आराम करूँगी। और यहाँ तेज चिमटा मैंने धो दिए हैं और ये सारे इतने सारे बर्तन धो के, हाथों में भी दर्द हो गया आज, कितने सारे बर्तन हो जाते हैं, ये दोपहर तक के बर्तन हैं मेरे। तो यहाँ सारे बर्तन धोने के बाद में टाइम हो गया था 7:30 या 7:45 के आसपास का। हाँ तो गाइस 7:30 बज चुके हैं और यहाँ का सारा काम है, झाड़ू वगैरह शाम के टाइम लगी जाती है, कर्तव्य ठीक होते तो मैं लगा देती हूँ, नहीं होती तो नहीं लगा पाती। तो बस गाइस सारा काम निपटा के मैं जा रही हूँ पूजा करने के लिए, क्योंकि पूजा का भी टाइम हो गया, 7:30 बज रहे हैं, आज थोड़ी लेट हो गई हूँ पूजा के लिए। तो गाइस पूजा भी हो चुकी है मेरी और बस अब रोटी बनाने की देरी है बच्चों के लिए, जैसे बच्चे बोलेंगे फटाफट से रोटी बना दूंगी। तो चलिए गाइस छुन छुन भी देखो चार्विक का वेट कर रही है। छुन छुन चार्विक कहाँ है, चार्विक हैं इधर उधर का देख रही, अभी मुझे आगे मारेगी, अभी अभी इसका ड्रामा चालू हो जाएगा। कहाँ चार्विक, उड़ी उड़ी मैया देख देख, यहाँ का चार्विक बैठा है, नहीं आ जा सेब खाने के लिए आई है, देखा किससे बात कर रहा तू, किससे बात कर रहा बता, चोरी पकड़ी गई तेरी तो है, शिकायत कर रहा तू माँ जी की, अब मैं मारूंगा बाबा से शिकायत कर रहे तू माँ जी की, फोन पे हेलो करो, हेलो करियो, हेलो टाक टाक कर रहा है, हेलो करो, हेलो करियो चार्विक, हेलो माँ जी बात करे, माँ जी फोड़ दे अब बाबा को जब भी पता चले, तोड़ दे बाबा का फोन, तोड़ दे जब बाबा को दिया टूट जाएगा, ओ दिया बाबा मारेंगे, जा दिया बाबा को मारेगा तो चीज लिया बाबा से, जा अब ले लो ना, दे दो तोड़ेगा तो यू, नहीं मैं तो नहीं दे रही ना, मैं तो ना दू, अच्छा ये क्या बदतमीजी है चार्विक, टोपी छीन ली तेरी, कितना ड्रामेबाज है, कितना पन्नी फेंक के कितना उधिकार, देखो देखो गुस्सा, देखो गुस्सा, ये क्या हो रहा है, डांस कर रही हो, अच्छा देख कैसे गुर्रा रहा चुन चुन को, हाँ चुन चुन टोपी खा रही है तेरी, रहन दे, रहने दे मत कर उसकी साहिब खा, मारेगी तुझे वो, ले बाबा को फोन दिया, बाबा का फोन दिया, नखरेबाज बन जाना ज्यादा, ठीक है ना, बाबा को फोन दिया जाके, जब बाबा के बाबा बात करेंगे जाओ, हेलो दिया बाबा को, हेलो दे क्या दिया ही हो, फोन फेंक दिया चार्विक ने, ये रहा अब इसकी पिटाई होगी, अब बाबा जो आ रहे, अब आ रहे बाबा, अब पीटेगा बाबा, अरे कैसे बता रहे, गिर गया, अब पिटाई हो गई, किन्ने मारा चार्विक तुझे, बाबा ने, अब जाएगा सॉरी बोल दे, अब इसको क्यों मारेगा, देख अब इसको मारेगा, ले अच्छा अच्छा अपना गुस्सा इस पे क्यों उतार रहा, चल जा जा तू जा, यार छुन छुन क्यों जाए, क्यों तू जा तू छुन छुन ना जावे, तू जाएगा
ड्रामेबाज इतना आयु लड़का इतना ड्रामा दिखा रहा, इतना ड्रामा दिखाता है ये, डीमा डीमा कर रहा। ओए भैया भंगड़ा पा रहा हो, उल्टा चल रहा, उल्टा 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 ठीक पापा, उल्टा जा रहा पीछे को। आज मैंने सब हरकतें कैद करी है तेरी, आ जा पता क्या,